तुमने खेले होंगे खिलौने, पर रेशम के रंगीन धागों पे हुआ हूं मैं जवान। ये फन मेरे पुरखों की विरासत है, हुनरे बनारसी साड़ी ही है मेरे पुश्तों की पहचान। ₹250 किलो, आधा किलो और आधा किलो, एक किलो। और उसी सैकड़ों साल पुराने बनारसी साड़ी के कारोबारी परिवार का हूं मैं आज मेहमान, जिन्होंने सजाया है मेरे लिए अपना पुश्तैनी जरी जायकों और अदबो आदाब से टका हुआ बनारसी दस्तरखान। और बनारस के बड़ी बाजार के किस्सों के इस ताने बाने में आपका खैर मकदम है। हम लोग अपने पिताजी से इतना पिटे हैं ना कि कुंदन हो गए। सुबह सुबह चांदी से ठंडे बनारस की जरी पे सूरज ने जैसे ही सुनहरी परत चढ़ाई, मैं अपने टोटो में सवार हो चुका था। फारसी जबान के लफ्ज जर से पैदा हुई जरी, जिसका मतलब ही सोना होता है, जब पर्जिया से हिंदुस्तान दाखिल हुई तो सोने के इन धागों ने शहर जरी सूरत को अपना घर बनाया। और 16वीं शताब्दी के मुगलिया दौर में जब इसी जरी का संगम बनारस के रेशम के ताने बाने से हुआ, तो पैदा हुआ शगुन का ये जेवर बनारसी साड़ी। और उसी बनारसी साड़ी को जिंदा रखे 300 साल पुराने 10 पीढ़ियों वाले इस अंसारी परिवार की दावत पे हम आ पहुंचे हैं आज फिर से बड़ी बाजार। बड़ी बाजार के इस इलाके में हमें हैंडलूम की कुछ साड़ियाँ और देखनी थी, और मेरे एक बचपन के दोस्त हैं जिनके घर जाना है, और उनकी भी साड़ी की यहाँ पर फैक्ट्री है। जब उनको पता लगा कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, तो उन्होंने मुझे लंच में भी इनवाइट किया है। और हमारे होस्ट हदीश आलम उसी दुकान पे आज फिर मेरी राह पहले से ही अपने दोस्तों के साथ देख रहे थे। आज फिर तीसरे दिन मुलाकात हो रही है। आज यहाँ पर है। आज हम एक केमिस्ट हैं। अच्छा। उस दिन वीवर थे। आज हम लोग खाए कीमे की पकौड़ी। और ये कीमे की पकौड़ी यहाँ पर काफी ज्यादा मशहूर है। हाँ, हमारे यहाँ इस लोकल में बहुत ज्यादा मशहूर है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ गौस बजाज, इस कहानी का सूत्रधार। जैसे जैसे हम इन चौकोर ब्लॉक्स वाली गली में समाते, कैमरा देख लोगों की भीड़ हमसे जुड़ जाती, और हमारी पूरी टोली को कमालपुरा की इस बलखाती हुई गली ने निगलते हुए ला पहुंचाया मेरी पहली मंजिल पे, जहां 70 सालों से नाश्ते में परोसी जाती है ये कीमे की पकौड़ियां। मेरे मोहल्ले की पकौड़ी बहुत फेमस है, मल्लू पकौड़ी वाले। मल्लू पकौड़ी वाले बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पकौड़ी खाने। एक मकान के चबूतरे पे दो हिस्सों में बटी, धुएं से स्याह इस बूढ़ी सी मामूली दुकान की सीढ़ियों से जुड़ी, कोयलों से दहकती मिट्टी की एक उम्र दराज भट्टी पे लोहे की एक कड़ाही चढ़ी हुई थी, जिसमें से बिल्कुल नई उम्र के दो नौजवान कीमे की गर्मा गर्म पकौड़ियाँ लगातार छान रहे थे। जैसे ही बाप का साया उठा, जिम्मेदारी ने इन्हें जवान कर दिया, जिसमें कड़ाही के सामने की जिम्मेदारी बड़े भाई की थी। और तुम्हारा नाम क्या है? इरफान। जिसने सारी तैयारियों के भगोनों से खुद को घेर रखा था, जिसमें से एक भगोने में सादे बेसन का लटपटा घोल था, तो दूसरे में खुशबूदार मसालों में प्याज अदरक लहसुन और धनिये की पत्तियों से सना हुआ गोश्त का कुटा हुआ कीमा था। हाँ।
ये नौजवान अंदाजे से हल्के हाथों से छोटी छोटी कीमे की गोलियां बना के जैसे ही गाढ़े बेसन में डालता, गोलियां सतह पे अटक जाती। फिर वो हल्के से इन उंगलियों को बेसन में डुबोता और सरसों के तेल में पूरा गुच्छा चुरचुरा देता। और इनकी ऊपरी परत जैसे ही रंगत पकड़ना शुरू करती, वो इन पकौड़ियों को स्टील की इस बड़ी सी सीनी में छान देता। अच्छा, पहले इसको हाफ डन करते हैं, फिर हाफ डन करके इसको फोल्ड लेते हैं थोड़ा सा। पकौड़ियां छानते ही छोटे भाई की जिम्मेदारी शुरू हो जाती। वो फौरन इन अंगारे नुमा पकौड़ियों को लोहे के बटकरे से फोड़ फोड़ कर कड़ाही में खड़ा करने के लिए वापिस डाल देता दोबारा राउंड टू, ताकि कीमे के रेशे अंदर तक पक जाएं। और खस्ता सुनहरी पकौड़ियों के तैयार होते ही वजन के हिसाब से तराजू में सवार कर छोटी छोटी स्टील की प्लेटों में उतार दी जाती। क्या रेट किस हिसाब से मिल रही है? 250 रुपए किलो। दुकान के आगे कोई बोर्ड नहीं है, लेकिन नाम इतना ज्यादा है कि यहाँ पूरे इलाके में हर कोई इस दुकान को जानता है। अब देखते हैं इनका जायका कैसा है। और हमारी गर्मा गर्म आधा किलो पकौड़ियों के तैयार होते ही उन्होंने हरी मिर्च की शोरबेदार चटनी के साथ परोस दिया। थोड़ा सा नमक भी डलेगा? बिना नमक के मजा नहीं आएगा। अच्छा, मेरे मुंह में भाई जबरदस्त तरीके से आ रहा है पानी। वाह वाह। अब एक लगाते हैं, इसको थोड़ा तोड़ता हूँ, उठाता हूँ चटनी के साथ। कीमा अंदर तक पका हुआ था, जायका नया होने के साथ साथ इतना बेहतरीन था कि रुका ही नहीं जा रहा था। ज़्यादा हो गया। आधा किलो और आधा किलो, एक किलो पकौड़े। यहाँ के लोग इसे ब्रेकफास्ट की तरह खाते हैं, फिर रोटियां बन जाती हैं। यानी कि पकौड़ी और रोटियां, ये चलन है यहाँ। अरे वाह, तो ब्रेड के साथ कैसे खाया जाएगा इसको? पहले आप इसको ऐसे करके प्रेस कर लीजिए। अरे वाह, सैंडविच जैसा बनाया जाएगा। थोड़ा सा लगेगी इसमें चटनी, चटनी बहुत जोरदार है भाई। ओहो, हद तो तब हो गई जब हदीज ने यहाँ के वड़े चखने पे मजबूर कर दिया, जिसको खाने के लिए हमने दुकान की धुंध में पड़ी बेंचों पे पैरों का वजन हल्का किया। रुई से हल्के इस दाल की पीठी वाले वड़े को मैंने खोला तो भाप फूट सी गई। हो 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 हो। चलो, ये जालीदार नमकीन वड़ा चटनी के साथ बाकमाल था। चले भाई। यहाँ से अलविदा लेकर हम बढ़े अपने मेजबान 10 पुश्तों से बनारसी साड़ी की परवरिश करते उस अंसारी परिवार के कुनबे की ओर, जिनकी नस्लें 300 सालों से आज तक कमालपुरा के इसी इलाके में इसी कारोबार से आबाद हैं। तो दायरे से बाहर पसरे नए मकानों में आबाद नए कारखानों से इस इलाके की गलियां इतनी तंग हो चुकी थीं कि रेशम के रंगीन धागों का भपका भी हमसे टकरा के गुजरा। यहाँ बुनकरों का दौर बूढ़ा हो, पावर लूम पे नई नस्लें जवान हो चुकी थीं। और इस रास्ते का जो आखिरी मोड़ आया तो अंसारी परिवार के मकानों की नींव नस्लों के किस्सों पे टिकी हुई थी। हदीश के पीछे मैंने इस पहले मकान की चौकट नांगी तो कहानियां रोशन हो उठी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 1947 के बंटवारे में 8वीं पीढ़ी के दो भाइयों में से छोटे भाई डॉक्टर हमीदुल्ला बनारस के हजारों परिवार के साथ जा बसे पाकिस्तान के शहर कराची। और उस इलाके में बनारसी जरी का हुनर इतना आबाद हुआ कि उसका नाम ही पड़ गया बनारस टाउन। और कारीगरों की माइग्रेशन की वजह से 1947 में ही बड़े भाई हाफिज सनाउल्ला ने बनारसी हुनर को आबाद किया कश्मीर के शहर बारामुल्ला में।
जहां कामयाबी के साथ आबाद हुए नवी पीढ़ी के तीन वारिस। और ये घर है उस विरासत के सबसे बड़े भाई, कश्मीर यूनिवर्सिटी से 1968 के इंजीनियर मौलाना मोहम्मद यासीन का, जिनके बड़े बेटे हैं ये कलीम अंसारी। कलीम हमें अपने पीछे आने का इशारा करते हुए मकान के ग्राउंड फ्लोर पे तैयार हो चुकी साड़ियों को दिखाने के लिए वो मुझे इस हॉल में ले आए, जिसके फर्श का हर कोना गद्दों से मुलायम था। इसे आम जबान में यहाँ गद्दी कहते हैं। ये तैयार साड़ियाँ सिलेक्शन के बाद पॉलिश होने के लिए जाएंगी, जिसमें से एक सफेद साड़ी मैंने भी पसंद की, इसकी कीमत मात्र 900 रुपए थी। ये घर यहाँ से निकले तो अंसारी परिवार के दूसरे बेटे अल्ताफुर रहमान के घर पहुँचे। अभी ट्रेडिंग ही है। ट्रेडिंग है, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मकान के इस निचले हिस्से में घर के ही कारखानों से बनी साड़ियाँ पैक हो रही थी। किस रेंज से शुरू हो रही, किस रेंज तक जा रही? मिनिमम 700 से स्टार्ट है और 2000 तक, 2000 तक जा रही है। बातों बातों में कॉफी के साथ नाश्ता भी आ गया। बगैर मेहमान नवाजी के बनारस की कोई भी मुलाकात अधूरी है, और यहाँ चाय चाहे जितनी पियो कम है। कॉफी। भाई ने बताया कैसे ऑनलाइन रिटेल की भी अलग परेशानियां हैं और काफी फ्रॉड होता है। हम यहां से मानो 1500 रुपए की साड़ी भेजते हैं, लेकिन रिटर्न में कुछ न कुछ ऐसा आता है। ये सारा, ये सब चीजें आई, ये सब रिटर्न में आया है। यही है हमारे जो स्कूल के दोस्त हैं रईस, जिनका ये घर है, जिनकी दावत पे खास करके मुझे यहाँ आना पड़ा। खुद तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनके फादर यहाँ मौजूद हैं। चलिए आइए, फिर चले हैं। जो है इस विरासत के तीसरे बेटे वकील अहमद का घर, जिनका मैं आज मेहमान हूँ। तो ये जो मेरे स्कूल के दोस्त हैं रईस, उनके छोटे भाई अजीज नाम है। yes. चलिए आइए। और हम सांवली रोशनी में खड़ी सीढ़ियों से पहली मंजिल पे पहुंचे तो वो स्टोरेज था, और दूसरी मंजिल का दरवाजा जब छत पे लाया तो सामने का सहन गुनगुनी धूप से रोशन था, जिसमें खुलने वाले हर खिड़की और दरवाजे पे मरून रंग का पर्दा था। और उसी पर्दे से आधे ढके हुए इस कमरे में मैं दाखिल हुआ तो लाल रंग की कश्मीरी कालीन ने इस घर के रिश्ते को कश्मीर से अब भी जोड़ा हुआ था। और छोटे अंसारी साहब तबीयत खराब होने की वजह से बिस्तर में ही थे। किस्से कहानियों के सिलसिले पे फौरन दस्तरखान बिछ गया, और एक के बाद एक फल, ड्राई फ्रूट्स और नमकीन की प्लेटें सज गई। उधार के जायकों से आबाद बनारसी दस्तरखान में छेने के रसगुल्ले की जगह बहुत खास है, सो वो भी आ गया। ये मेरा पहला भी एक्सपीरियंस होने जा रहा है। अभी तक नहीं दिया, अभी छेना रुका हुआ। कलकत्ता के छेने को बराबर टक्कर देता ये रसगुल्ला मिठास में मासूम था, लेकिन दर्जे में अव्वल। कालीन के अलावा कश्मीर से जुड़ी एक और चीज से इस घर का रिश्ता पक्का है। कारोबार कश्मीर से जुड़ा हुआ है, इस वजह से अच्छा खासा वक्त लोगों ने वहाँ गुजारा है, और कहीं ना कहीं वो जायका अपने घरों में अपने दस्तरखान पर लेकर के आए। वही शाम की धूप सा कहवा जाफरान की मदमस्त खुशबू से कश्मीर को इस कप में समेटे हुए था। अंकल ने चेहरा सीधा करते हुए कहा, किसी भी बनारसी परिवार को अगर समझना हो तो उसके मकान की जड़ में समाइए, क्योंकि कामयाबी का बीज यानी कारखाने वहीं बोए जाते हैं। और हम अंधेरी सीढ़ियों से होते हुए उनके इस मकान की फैक्ट्री में दाखिल हुए तो लाइन से सजी पावर लूम्स पे बेहद खूबसूरत साड़ियों में ये मशीनें ताना बाना भर रही थी। फिर इस फैक्ट्री से निकलकर हम उनकी दूसरी फैक्ट्री में आ गए। अरे वाह, ये अच्छा,
एंड दिस इज अ वास्कट साड़ी। इसकी डिमांड ज़्यादा है और इनकी कीमत क्या है लगभग? 900 रुपीज़। अच्छा, होलसेल रेट ही है। 1100 और रिटेल में यही प्राइस जाकर के टू टाइम्स हो जाता है। और इन दोनों फैक्ट्रीज को वकील साहब के दोनों बेटे अपने पिताजी के बोए इस बीज से अब बागवानी करते हैं। वो रेशम की कटाई के लिए पहले इस मशीन से गुजरती है, जिसमें से ये मशीन साड़ी के निचले हिस्से पे रेशम के धागों को बीच से काट देती है और झालर से लटकते ये धागे जब दूसरी मशीन पे लगते हैं तो वो इन साड़ियों पे उभरे हुए रेशम के हर रोए को मक्खन की तरह तराश देती है। उनके लिए होते हैं साड़ी के ये हकीम। और दूसरी गली के छोटे से एक कमरे में 6 खामोश नौजवान जख्मी साड़ियों की मरहम पट्टी यानी रफू कर रहे थे। इतना महीन काम देख के मैं तो हैरान रह गया। मतलब हर एक चीज साड़ी के इर्द गिर्द घूम रही है, बनारस घूम रहा है साड़ी के इर्द गिर्द और सबका एक साथ ऐसा जुड़ाव है, वो एक बहुत खूबसूरत बात है बनारस की। आपका यूट्यूब चैनल है स्पाइसलर के नाम से ना जी? आप पहचान रहे, हम देखे हैं। देखिए लूम पार्ट्स रिपेयरिंग हो रही है, बन गया मैन्युफैक्चरिंग है, दोनों चीजें। ये तो मैन्युफैक्चरिंग है, न्यू। ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, न्यू। एक बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड दुनिया है मैन्युफैक्चरिंग की। सबका प्रोफेशन यही है, मोस्टली 90% सबका प्रोफेशन यही है। किस कारोबार से जुड़े हैं? किस इलाके में? इस इलाके में। और ये बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है। किसी की अपनी छोटी सी शॉप भी है तो उसके पास भी लूम्स लगे हुए हैं। पहले हैंडलूम हुआ करती थी, जो हाथ करगा होता था, वो भी इसी तरीके से छोटे छोटे घरों में थे, अब वही सब मशीन में कन्वर्ट हो गए। कोई लूम से रिलेटेड है, कोई धागे से है, कोई कलर से है। जैसे ये आप, ये कलर किंग है, ये कलर से रिलेटेड। और इन्होंने मुझे अच्छे खासे बनारस के रंग इतने दिन में दिखाए हैं, सही कलरिस्ट है ये। खाना तैयार था और वकील साहब ने दस्तरखान पे लौटने का हुक्म जारी कर दिया। अच्छा, जो असल मकसद है यहाँ आने का, बनारसी खाने की वजह से आया हूँ यहाँ पर। घर में एक दस्तरखान कैसे सजता है वो इस घर में देखने को मिलेगा, और खास करके आज यहाँ पर सारी तैयारियां लंच के लिए की गई हैं। हम सब जब वापस उसी कालीन पे लौटे तो खाना लगना शुरू हो गया। नीली बूटीदार इन सफेद प्लेटों के साथ सजा पहला जायका, धनिए की पत्तियों से सजा पालक चिकन। यहाँ पर सैलड है और ये क्या है? खड़े मसालों के साथ। और सैलेड के साथ आया टमाटर का ये लटपटा चिकन, जो बनारस के नॉनवेज कुजीन का सबसे खास हिस्सा है, जिसको खाने के लिए थी ये रुमाली बराबर फुलके वाली बड़ी बड़ी रोटियां। यानी कि बनारस में भी फुलकों का चलन है, बड़ी जो रोटियां हैं। पहले चखते हैं ये पालक चिकन, जबरदस्त। ये हल्के खड़े मसालों का पालक चिकन काफी क्रीमी था। खुशबू मसाले का जो एक जोड़ है वो बनारस के दस्तरखान में बहुत खूबसूरती से महसूस हो रहा है। वाह, हल्की सी खटास पे है ये चिकन और प्याज के बेस पे, तो खट्टा मीठा लेकिन खटास हल्की सी ऊपर है, यानी कि दही और टमाटर के बेस पे है क्या? या दही ज़्यादा यूज हुआ है? ज़्यादा दही इस्तेमाल में है, यानी कि पंजाबी टच नहीं है। ये दोनों जायके भी उधार के ही हैं, जो वक्त के साथ बनारसी दस्तरखान पे आम हो गए, लेकिन ये जायका पक्का बनारसी है। और इस हरी मटर और प्याज के बघारे देसी चावल के बगैर बनारस के हर घर का दस्तरखान अधूरा है। चावल से उठ रही हल्की भीनी खुशबू ने दोनों शोरबों का मजा दुगना कर दिया। बहुत जबरदस्त। इधर खाना खत्म हुआ, उधर देसी घी की खुशबू कमरे में दाखिल हुई।
मीठे में परोसा गया गाजर के हलवे के साथ अनार के दाने। मुझे जाने क्यों अनार के दाने डालकर हलवा खाने का मन किया। वाह जोड़ी बेमिसाल थी, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा है कॉम्बिनेशन भाई। अंसारी परिवार की दावत का शुक्रिया करते हुए मैंने अलविदा लिया तो कलीम ने रात की दावत अपने घर पे रख दी। और इस इलाके में गाड़ी बुलाई जाने वाली दुपहिया पे बैठकर हम बड़ी बाजार के भीड़ भड़के से होते हुए एक पतली सी गली में समा गए। जा जा रे जा रे पलम जा जा रे जा रे पलम। चलो भाई। एक्सक्लूसिव डिजाइनर्स के लिए साड़ियां बनाने वाले ये जौहरी कलीम के बहनोई भी हैं, वरना ये मुमकिन ही नहीं होता। अरे वाह। खूबसूरत कालीनों से सजी इस गद्दी के मालिक अब्दुल कुद्दूस ने मेरे हाथ में कैमरा देखते ही अंदर कैसे आए वाला चेहरा बनाया। कुद्दूस भाई हमारे दोस्त हैं, उनका फूड ब्लॉगर हैं और काफी फेमस हैं। लेकिन चेहरे पे झिझक की सिलवटें फिर भी पड़ी हुई थी और बगैर मुस्कुराए पहले प्योर सिल्क के बाने से मिलवाते ही अंदर से ले आए असली जरी जो प्योर चांदी की थी। असली जरी मैंने पहली बार देखी थी जो धागे से भी महीन थी, इस पे सोने का पानी चढ़ा हुआ था। इतनी जरी 48 रुपए। बेफिक्री की दहलीज थोड़ी और पार हुई तो कुद्दूस साहब पहले थोड़ा सा मुस्काए और अंदर से अपनी बनारसी साड़ी का एक खास जेवर लाकर बड़ी नजाकत से उसकी परतें खोली। इसका लेबर चार्ज 25,000 रुपए है। इसका लेबर चार्ज 25,000 रुपए है। और इस साड़ी की क्या कीमत है यहाँ पे? हम तो इसको बेचते हैं 60,000 रुपए की। 60,000 रुपए। और यही साड़ी ये रिटेल में कम से कम 2,00,000 रुपए की हो जाएगी। ये 1943 की डिजाइन है। कम से कम इसमें जो है अगर जरी से ले लिया जाना है तो इसमें 200 आदमी वर्क एक साड़ी बनाने में लगते हैं। कितनों मशीन की आसान हो गई, मगर जो चीज पुरानी है वो अभी उसकी डिमांड है। फिर जब उनका भरोसा थोड़ा और बढ़ा तो उन्होंने अपने पुरखों की विरासत के खजाने का नक्शा दिखाया जिसके सुनहरे पन्नों पे वक्त का रंग चढ़ा हुआ था। ये 60-70 साल पुराने कागज पे डिजाइन है जो आपने प्रिजर्व किए हैं और वही डिजाइन आप बेच रहे हैं, यानी कि लगभग 80 साल बाद। बातों पे चाय के साथ लाजमी नाश्ते के बाद दुनिया के मुसलमान ये चाहते हैं कि हमारी मौत मक्का मदीना, उसी तरह हिंदू कौम जो चाहती है कि हमारी जो है आस्था यहाँ से जुड़ी है काशी से। जो दिया जो फैक्ट है दिल से निकलता है। कभी कभी जो है धरती पर जाइए, एक ही पेड़ में वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। चलिए। हम जैसे ही बाहर निकले मैंने कलीम से पूछा ये प्योर जरी बनती कैसे है। बस फिर क्या था, वो शाम में जज्ब हो रही इन गलियों में एक अड्डे से दूसरे अड्डे पे गुहार लगाने लगे। हेलो बंद है, घर पर हैं? चलिए तो हम आएंगे, अगर अगल बगल कहीं होगा दिखा दीजिएगा। लेकिन कोई अपना राज दिखाना नहीं चाहता था। थोड़ा मायूस होकर उन्होंने इस इलाके के सबसे बड़ी जरी के मैन्युफैक्चरर से गुजारिश की तो वो राजी हो गए। रात होने को थी, उस पे इस बेमौसम बारिश में हम अंधेरे से घुप गलियों में समाते हुए आ ठहरे किसी फिल्म के सेट से कम नहीं इस 150 साल पुराने मकान पे। इतना खूबसूरत घर है। इस मकान का हर कोना चौखट डेहरी अपने दौर की कहानी सुना रहे थे और सुरमई पत्थरों के सहन से होते हुए हम ठाकों से रोशन इस कमरे में दाखिल हुए। यही है हमारे चाचा जी, ये जरी आप किंग यही है। अच्छा अच्छा। तो गणेश जी की तस्वीर के साए में ग्लाइडो जी ने हमें भी उस महफिल की आगोश में समेट लिया। हम लोग का जरी का काम अप्रोक्सिस 100 साल पुराना है, फोर्थ जनरेशन है हमारा। साड़ी आखिर बनारस में बनती क्यों है? और जो बनारसी कपड़े हैं वो हमारे धर्म के शास्त्र के हिसाब से होता है कि शादी में एक बनारसी साड़ी जरूर दिया जाता है। बिल्कुल। उसका मेन रीजन है कि शादी के बाद जो लड़कियां हैं वो शिव संपर्क में जाती हैं और ये बनारस शिव की नगरी है, तो जो वस्त्र यहाँ बनता है
वो शिव वस्त्र के रूप में धारण किया जाता है। जो एम्ब्रॉयडरी की साड़ियाँ होती हैं उसमें लाखों स्टिचिंग लगाए जाते हैं, और स्टिचिंग जो होती है एम्ब्रॉयडरी वो दुल्हन के लिए बेस्ट नहीं है। इंद्र, अगर आपको लाखों पिन में अगर हम पिनअप करें तो कैसा फील होगा? रिलेशन डिस्टर्ब होता है। तो जो पुराने ज़माने में इस तरीके की बातें हम लोग करते थे और बनारसी साड़ी में ही लड़कियों को विदा करते थे। पंडित जी ने अपने पीछे ऊपर आने का इशारा किया तो पूरी महफिल उनके पीछे हो गई। पहली मंजिल पे थी उनकी खुफिया सी फैक्ट्री, जहां प्योर चांदी की पिटाई से तैयार इन महीन जरी पे सोने का पानी चढ़ाया जा रहा था। केमिकल्स की मध्यम महक वाली इस लैब में मैं जरी के बस थोड़ा नजदीक गया था कि ग्लाइडो जी की आवाज गूंजी, ध्यान से, इसमें साइनाइड भी है। डर के मारे मैं फौरन पीछे हुआ। साइनाइड भी है। बाहर निकला तो माथे पे मफलर बांधे एक नौजवान सामने से आया। इन्हें मामूली मत समझिएगा। यही है हमारे लड़के। ये IIM अहमदाबाद से MBA करके अभी अभी लौटे ग्लाइडो जी के एक लौते पुत्र हैं, जिन्होंने 1 करोड़ का एनुअल पैकेज छोड़ बाप दादा की इस विरासत को बस हाल ही में संभाला है। पंडित जी की इस विरासत की नींव अब और मजबूत हो गई। हम लोग अपने पिताजी से इतना पिटे हैं ना कि कुंदन हो गए। इस लैब के बगल में ही एक बड़ा सा हॉल था जिसमें लाखों की बनारसी साड़ियां बिखरी हुई थी। यहाँ के हुनर के कदरदान जरा अलग किस्म के हैं, नवाबों से लेकर राजा रजवाड़े और रियासतदार भी। दादा का है तो पोता पहनेगा, अब तो 3-4 जनरेशन वो शेरवानी चलनी चाहिए। कपड़ा गल गया, कोई और रीजन से खराब हो गया तो दूसरा मैटर है, अगर लुक वाइज खराब हो जाएगा तो तीसरी जनरेशन में भी कंप्लेन आ सकता है। ये पैटर्न है, इसको किमखाब कहते हैं। किमखाब तो इतनी ड्यूरेबिलिटी और लास्टिंग उसमें डालनी पड़ती। अब ये 8 साल का पीस है, नहीं बिकेगा तो सौरभ को पहना दे। देखिए ये रियल जरी है, जैसे प्रॉपर्टी एक एसेट है, ज्वेलरी एक एसेट है, वैसे रियल जरी की साड़ी भी एक एसेट है। 10 साल के बाद आज जो साड़ी आप 50,000 की खरीदते हो, 10 साल के बाद फटी साड़ी हम 50,000 की खरीद लेंगे। ये लीजिए 99 टन चांदी आपके सामने। बहुत ज्यादा अच्छा लगा बात करके, थैंक यू। और हमारी टोली बाइकों पे सवार होकर रात की दावत की तरफ आ पहुंची कलीम के घर। इस इलाके के हर मकान की रिहाइश को नागने से पहले जूते उतारने कंपलसरी हैं। और यहाँ भी हम इस हॉल में दाखिल हुए तो मोटी सी बड़ी खूबसूरत कालीन हमारा इंतजार कर रही थी। डाइनिंग टेबल्स का चलन इस इलाके में बिल्कुल नहीं है और दस्तरखान कालीन पे ही बिछता है। प्लेटें लगते ही कलीम के दोनों बचपन के दोस्त साथ बैठे और किचन से सबसे पहले आया गर्मा गर्म शामी कबाब। पसंदा है ये शामी कबाब और दाल। मैंने वैसे भी कहा था कि भाई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, और लेकिन ये खास कर इन्होंने बनवाया इस वजह से है क्योंकि ये बनारस का एक लोकल जायका है। और इस लोकल हथेली बराबर बड़े से कबाबों में कुतरी हुई प्याज चमक रही थी। ये साइज की रोटियाँ बनती हैं भाई बनारस में, पहले कबाब का जायका। जो मैंने इसका पहला निवाला खाया, दखल देती हरी मिर्च के कतरों ने जबरदस्त मजा दिया। दूसरा जो मशहूर जायका है वो ये है पसंदा। बजाय लखनऊ की तरह तवे पे सिकने के, प्याज के बेस पे भुने हुए छोटे छोटे गोश्त के टुकड़ों से बना था ये पसंदा। भले पसंदा नाम अवश्य उधार लिया है लेकिन जायका है खालिस बनारसी। और यहाँ भी बने थे हरी मटर वाले बघारे चावल, जिसका लुत्फ मैंने बड़े इत्मीनान से लिया। बनारसी मुस्लिम दस्तरखान के 2 रिवायती जायके, जिस जोड़ी के बगैर बनारस की हर मेहमान नवाजी अधूरी है, और ये दोनों हैं पसंदा और अरहर की दाल। और आखिर में मीठे में परोसी गई रसमलाई। वाकई में मिठाई के मामले में बनारस का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, क्या जबरदस्त रसमलाई थी। निकलते निकलते रात काफी हो चुकी थी, इसलिए कलीम के दोस्तों ने कहा हम आपको आपके हॉस्टल छोड़ देंगे। बारिश की फुहार में बनारस बिल्कुल ठंडा हो चुका था।
और जिस्म को लिहाफ की तलाश थी। लेकिन कल मुलाकात करवाऊंगा उस रिवायती बिहारी जायके से जिसके बगैर बनारस की हर दावत, सैर, छुट्टियां अधूरी हैं, और इस लिट्टी चोखे के बगैर बनारस का मेरा ये सफर भी अधूरा। मिलते हैं आपसे कल बनारस के जायके के नए एपिसोड में। आज इतनी तेज हो रही है कि बिल्कुल पास में बैठना भी मुश्किल हो रहा है। Pace, running the race, life is a chase, I don't want a place, I want to be first, work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse, High ambitions in the right mind can take you so far, it's like you lived a few lives.